Good morning, class. In the previous video, we discussed about machine language. In this video, we will learn about assembly language. Assembly language is in the form of mnemonics. In assembly language, 0 and 1 are replaced by these mnemonics. Now you are thinking that what are mnemonics? So mnemonics are 2 or 3 letter abbreviations. For example, add, sub, etc. Where add stands for addition and sub stands for subtraction. Machine language तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं assembly language के बारे में. Assembly language क्या होता है? Assembly language mnemonics के form में होता है. जैसे आप machine language में 0 और 1 के form में रहता था, तो assembly language में 0 और 1 को replace करके क्या आ गया? Mnemonics आ गया. Mnemonics का मतलब क्या होता है? Mnemonics को हम कह सकते हैं संक्षिप्त नाम या छोटा नाम. जैसे मान लीजिए अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? ऐड. और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सब. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज इन द मशीन लैंग्वेज इफ ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज 0010, इट्स इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज इज ऐड. मान लीजिए अगर आपको मशीन लैंग्वेज में एडिशन करना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0010. ये इसका ऑपरेशन कोड है एडिशन करने का मशीन लैंग्वेज में. और अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में एडिशन करना है तो सिंपली आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऐड. वी ऑलरेडी नो दैट ओनली मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर, देन वॉट अबाउट असेंबली लैंग्वेज? Since mnemonics are abbreviations or symbols, they need to be translated into the machine language to get executed. This job is done by an assembler. हम जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज ही केवल कंप्यूटर समझता है, मतलब मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझेगा? तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं असेंबलर. असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके. नाउ असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट मीन्स प्रोग्राम्स रिटन इन दिस लैंग्वेज रन ओनली ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर. अब असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होता है. मशीन डिपेंडेंट का मतलब कि अगर आप किसी एक कंप्यूटर पे असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पे रन करे. वो दूसरे कंप्यूटर पे रन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. और असेंबली लैंग्वेज को समझना और उसमें प्रोग्रामिंग करना मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में आसान होता है.